अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैपेचिनो कॉफ़ी एट होम। तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ज़रूरत है कुछ इंग्रेडिएंट्स की। आपको चाहिए कोई सी भी, आप नेस्कैफे या कोई सी भी और किसी कंपनी की आप कॉफ़ी ले सकते हैं। तो हमने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ली है और 3 टेबल स्पून हमने शुगर ली है, और उसमें हमने ल्यूक वाटर हमने लेना है, और उसमें उसको ग्रेजुअली हम अपने कॉफ़ी के मिक्सचर में ऐड करते जाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरह। तो अब हम ऐड करने लगे हैं, एक हमने बॉल ले लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जार। तो अब हम कॉफ़ी इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही हम ऐड कर देंगे ये 3 टेबल स्पून शुगर, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमने ल्यूक वाटर ऐड करते जाना है। अब एक हम फोक लेंगे और फोक से इसको बीट करेंगे। अभी ये काफी डार्क है, तो इसका कलर जब तक ये बिल्कुल लाइट मस्टर्ड कलर नहीं हो जाता तब तक हम इसे बीट करेंगे। अब हम इसमें दूध अपना बॉईल करने के लिए जा रहे हैं। फुल फैट्स मिल्क हमने लिया है, और ये 1 कप हमने लिया है, और इसको हम थोड़ा थिक होने तक इसको पकाएंगे। 1 कप से हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये 1 1/4 कप हमने ऐड किया है। हमारी एक क्रीमी हमारी कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कप में अपने ऐड कर देंगे। इस कॉफ़ी से आप 3 से 4 कप बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसमें जितना मैंने शुगर ऐड किया है दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इस पॉइंट पर और शुगर ऐड करना चाहें तो आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं। इसमें मिल्क हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल कैपेचिनो इज रेडी टू सर्व। थोड़ी सी कॉफ़ी मैं ऊपर से इसमें ऐड करूँगी। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो इसमें सब लोग बहुत ही कॉफ़ी को इंजॉय करते हैं और पीना पसंद करते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली। सो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।